की तरह मुझे छू भी तो रोजाना तेरे हाथों की तरह मेरे हाथों का सफर। बैक टू माई चैनल स्वीट वुमेन। सो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था डॉक्टर लैंड की ट्यूटोरियल वाइफ का कि यहाँ पर जंगशा वीवस शियान से मिलने आता है, सॉरी मतलब विंग से मिलने आता है। अब यहाँ पर मिलने आता है तब तो उसको पता चलता है विंग प्रेग्नेंट है। फिर यहाँ पर विंग जंगशा को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, सॉन्ग लैंड से, उसके फियांसे से और वेनिंग वेंचिंग से भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता है। अब यहाँ से हमारा शीन कुछ दिन बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पर ही विंग का डिलीवरी डेट एकदम सामने आ गया था, एकदम क्लोज आ गया था। और यहाँ पर ही अपना विंग ना मतलब सबके साथ रहने लगा था क्योंकि उसका 9 मंथ प्रेगनेंसी वाला स्टार्ट हो गया था, तो वो अकेले मतलब रहेगा नहीं क्योंकि किसी भी टाइम उसका लेबर स्टार्ट हो सकता है। तो अब यहाँ पर उसके साथ हमेशा कोई ना कोई रहता था, कभी वेंचिंग, कभी वेनिंग, कभी सॉन्ग लैंड, कभी उसके फियांसे रहते थे। यहाँ पर ये विंग का बॉन्ड उसके फियांसे के साथ बहुत अच्छा हो गया था, सॉन्ग लैंड के फियांसे के साथ। अब उसको इतना जेलस ही नहीं पड़ता था उसके फियांसे को, जो पहले लगता था ना कि वेनिंग उसका फियांसे को छीन लेगा, अब वैसा उतना जेलस ही नहीं लगता था। यहाँ पर फिर होता क्या है ना, एक दिन ना विंग ना वेंचिंग के साथ था, उस दिन विंग का जो स्टमक था ना वो हल्का हल्का पहले से ही पेन कर रहा था, तो विंग इसको इग्नोर मारता है। उसको लगता है कि ये नॉर्मल है, इससे पहले भी क्योंकि विंग का हुआ था बट उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़ोर से कर रहा था बट उस टाइम डिलीवरी नहीं हुआ था, तो इसको भी लगा भाई ये भी सेम ही है उसी के जैसा, तो यहाँ पर वो इग्नोर मारता है। सुबह से शाम हो जाता है, यहाँ पर फिर वेंचिंग आती है वेनिंग के बदले और विंग के लिए बहुत कुछ खाने के लिए लाई थी क्योंकि विंग के इस टाइम बहुत ज़्यादा ही कुछ क्रेविंग हो रहा था खाने का, बट वो उतना कुछ नहीं खा पाता, उसका उल्टी भी जल्दी हो जाता है। तो वो फिर खाना वगैरह सब छोड़ देता है जो वेंचिंग लाई थी उसके खाने के लिए। अब यहाँ पर ही विंग सोफ़ा पर बैठ के आराम से टीवी देख रहा होता है। अब उसको टीवी देखते देखते ना अब अजीब सा फील होने लगता है और ज़्यादा पेन करने लगता है। वो वेंचिंग को एक बार किचन से चिल्लाता है, बोलता है वेंचिंग इधर आओ ना। अब जैसे वेंचिंग बोलती है 2 सेकंड रुक जाओ विंग हम आ रहे हैं, बस और थोड़ा कुछ बर्तन बचे धोने के लिए, 2-3-4 हम वही आ जाएंगे धो के। अब जैसे वेंचिंग ये बोलती है ना वो फिर देख सुनती है ना कि विंग चिल्लाता अब एक बार जोर से, इस बार और ज़ोर से चिल्लाता है और ये थोड़े दर्द में चिल्लाने का आवाज़ था। अब जैसे ही वेंचिंग किचन से निकल के जाती है देखने विंग को कि क्या हुआ है ये इतना चिल्ला रहा, वो देखती है कि विंग के जो लोअर बॉडी है ना वहाँ से ब्लड निकल रहा है, लिक्विड ब्लडी, हाँ मतलब वो ब्लडी था बट वो थोड़ा पानी तरीके का था, कुछ ज़्यादा पानी तरीके का था। अब यहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा था। अब जैसे ये चीज़ ना वो जैसे ये चीज़ नोटिस करती है वो अपना कार निकालती है, विंग को उस पर लिटाती है और ये लोग उन सबको ही चलते बनते वहाँ पर। और बीच कार में विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो पूरा चिल्ला रहा था मिस्टर वे को, कभी वो चिल्ला रहा था फादर, कभी वो चिल्ला रहा था ग्रैंड मदर, नहीं ग्रैंड मदर तो नहीं चिल्ला था, मतलब उसको जो जो अपना फैमिली मेम्बर आ रहा था वो सबको याद कर करके चिल्ला रहा था, नहीं भी चिल्ला रहा था अब आप लोगों ने जो भी सोचो, हाँ बस वो पेन में था। और यहाँ पर ही अब ना वेंचिंग ना उसको ऐसे देख नहीं पा रही थी, वो सॉन्गलैंड को कॉल करती है, बोलती है जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ ये इमरजेंसी है। अब सॉन्गलैंड ये चीज़ सुनते साथ वो जल्दी गाड़ी निकालता है अपना घर से, उस टाइम उसकी फियांसे भी उसके साथ थी और ये लोग जो थे ना वो लैन हॉस्पिटल के ना बस मतलब थोड़ी कुछ देर दूर पर रहते थे, जैसे 2-3 गली छोड़ के लैन हॉस्पिटल मिल जाएगा वैसा। अब यहाँ पर ये लोगों कार निकालता अपना उसके फियांसे और सॉन्गलैंड दोनों साथ में जाते हैं। यहाँ पर हम एक बात बताएं, मेरे को उसके फियांसे का नाम नहीं याद है और विंग की ग्रैंड मदर का, इसलिए हम उसको विंग की ग्रैंड मदर बार बार बोल रहे हैं और इसको सॉन्गलैंड की फियांसे बार बार बोल रहे हैं, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर आई थिंक हम एक बार डिलीवरी डेट भी दिए थे विंग का जो मेरे को याद नहीं है, तो हम यहाँ पर जोशो रख दे रहे, इसलिए उसको भी इग्नोर मारिएगा। अब जैसे सॉन्गलैंड देखता है कि वेंचिंग का कार भी उसी टाइम स्टॉप हुआ है जिस टाइम वो लोग उनका कार एकदम हॉस्पिटल के सामने आ गया था। अब सॉन्गलैंड कार से उतरता है, वेंचिंग को हेल्प करता है विंग को निकालने में। अब विंग जैसे बाहर आता है ना उसका कपड़ा जो था ना वो पूरा ब्लड में सना हुआ था। अब ये चीज़ देखते साथ वो लोगों ने एक स्ट्रेचर मंगवाता है, उसमें विंग को लिटा के ये लोग हॉस्पिटल के अंदर लेके जाता है और विंग को इमरजेंसी थिएटर में डाल देता है, सर्जरी थिएटर में,
ICU में डाल देता है। अब यहाँ पर ही ना जंक्शन को भी कॉल करके वेंचिंग बुला लेते, बोलती है ये विंगर डिलीवरी होने वाला है, तुम आ जाओ जल्दी आ जाओ, और वो बहुत ज़्यादा तुमको भी याद कर रहा है। अब जैसे ये चीज़ जंक्शन सुनता है ना, वो भागा भागा आ जाता है, जो कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डील कर रहा था अपना कंपनी के लिए और अपना माफिया बिजनेस के लिए, और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट भी था, बट वो ये सब कुछ छोड़ के विंग के लिए आ जाता है। अब ना यहाँ पर ही वेंचिंग क्या करती है ना, विंग का फ़ोन का लॉक खोलती है और मिस्टर वे और विंग के ग्रैंड मदर को भी कॉल करके सब कुछ बता देती है। अब वो लोगों ने यहाँ पर ही विंग के लिए प्रे कर रहा होता है। अब ना जैसे विंग हॉस्पिटल पे जाता है ना, वहाँ पे उसका सर्जरी जैसे ही वो गया, वैसे ही मतलब सारे डॉक्टर अवेलेबल थे, तो जल्दी जल्दी उसका सर्जरी भी स्टार्ट हो गया। अब वो मतलब उसका ना नॉर्मल सर्जरी हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा उसको तभी पेन लग रहा था, और वैसे उसका ब्लड बहुत ज़्यादा क्या बोले निकल गया था, हाँ वही समझ लो, बस उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। तो यहाँ पर उसको ना डिलीवरी में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा था। जो पहला चाइल्ड था वो तो एकदम ठीक तरीके से हो गया, और फिर दूसरे चाइल्ड का में दिक्कत आ रहा था, क्योंकि विंग यहाँ थक गया था और उसको निकाल में प्रॉब्लम पड़ रहा था। बट जैसे तैसे करके यहाँ पर ही भाई दोनों जो बच्चा था वो लोगों भी सेफ है, और विंग भी यहाँ पर सेफ है। अब यहाँ पर ही ना डॉक्टर बाहर जाता है और विंग का फैमिली को बताता है कि सब कुछ ठीक है, दोनों सेफ है, मतलब तीनों सेफ है। यहाँ पर जैसे ही मिस्टर वी तीन तो है ना, उनको यहाँ पर थोड़ा तो शॉक लगता है। पहले उनको पता था विंग प्रेग्नेंट है, बट उनको लगता था कि भाई एक ही होगा, बट ये जो सुनते हैं ना, तो यहाँ पर मिस्टर वे और हैप्पी हो जाते हैं। अब जैसे ही वेंचिंग के गोदी में एक चाइल्ड को रख दिया जाता है, और जंक्शा के गोदी में एक चाइल्ड को रख दिया जाता है, बट यहाँ पर उसको गोदी लेना आता ही नहीं था, तो वो जैसे ही 2 सेकंड के लिए रखता अपने गोदी में, फिर लाके सोंगलैन के फियांसे को पकड़ा देता, उसके फियांसे को आता था तो वो पकड़ लेती है। अब यहाँ पर ही नजंक्शा जाता है डॉक्टर को पकड़ के, बोलता है विंग कैसा है, उसको कुछ दिक्कत या मतलब कुछ ऐसा वैसा इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है ना डॉक्टर, वो एकदम ठीक है ना, उसको और कोई मतलब कुछ होगा तो नहीं ना। अब जैसे ही जंक्शा पूरे बिना सांस लिए ये चीज़ बोले जा रहा था ना, डॉक्टर बोलता है काम डाउन, सांस ले लो थोड़ा, वो एकदम ठीक है, उसको और कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ब्लड लॉस हो गया था इसलिए उसको अभी ब्लड चढ़ाया जा रहा है, और वो 1-2 घंटा बाद कॉन्शियस आ जाएगा, जो कि अभी वो अनकॉन्शियस है। अब जैसे ये चीज़ जंक्शन सुनता है ना, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, वो थोड़ा हैप्पी होता है, बट वो जैसे उसके नेफ्यू उसको देखते हैं ना, वो हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसमें से एक गर्ल थी और एक बॉय था। अब यहाँ पर ही ना विंग की ग्रैंड मदर वापस वीडियो कॉल करती है। इस बार मिस्टर वे को वो लोग उन दोनों चाइल्ड को दिखाते हैं, जो कि विंग का चाइल्ड था, गर्ल और बॉय था दोनों, उनको दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही मिस्टर वे वो लोग दोनों को देखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट थे जो चाइल्ड थे, तो मिस्टर वे बोलते हैं विंग को अब दिखाओ विंग कैसा है, तो यहाँ पर जंक्शा बोलता है फादर। अब जैसे वो चिल्ला के ऐसा बोलता है ना, मिस्टर वे पूरा शॉक, भाई ये इतने दिन बाद मेरे को कॉल कर रहा है, नहीं ये खुद से कॉल भी नहीं करता, मेरे को ही करना होता है। अब मिस्टर वे जैसे ही ये सब सोच रहे होते हैं ना, वैसे जंक्शा बोलता है फादर किस सोच में डूबे रह गया है, मैं इधर हूँ देखिए, आपको पता है जितना दे जब मुझे पता चला ना विंग यहाँ है, मैं भागा भागा आ गया, अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं, हाँ क्या अभी अमेरिका में विंग और वगैरह सब कुछ आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप लोगों ने तो ऐसे मतलब हो ना कि जैसे मैं आप लोगों का फैमिली से रिलेट ही नहीं करता। अब जैसे ही जंक्शा ये सब बोल रहा होता है ना, मिस्टर वे उसको बोलते हैं अभी वहाँ पर हॉस्पिटल में तमाशा मत करो, जब तुम अकेले होगे मैं तुम्हें शांति से कॉल करके सब कुछ बता दूंगा, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर क्या क्या हुआ है। अब जैसे ही मिस्टर वे ये बोलते हैं ना जंक्शा को, जंक्शा बोलता है मुझे सब पता है क्या क्या हुआ है, आपके हेल्थ के बारे में पता है और सबके बारे में सब कुछ पता है, आपको क्या लगा मैं आपसे दूर रहूँगा तो आपके हेल्थ के बारे में पता नहीं चलेगा और वहाँ क्या क्या चल रहा है उस बारे में पता नहीं चलेगा, मैं अपना स्पाइस रखता हूँ हर जगह, हर एक छोटे छोटे चीज़ का खबर है मेरे को आपके बारे में। अब जैसे ही जंक्शा ये बोलता है ना, मिस्टर वे भी बोलते हैं हाँ 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 तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब यही सब करो तुम और ध्यान रखना वो लोगों तीनों का, जैसे मुसीबत ना आ पाए, मैंने कहा तो बड़े होने के बाद तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो वो लोगों का, पर ध्यान से तुम्हारा अभी भी एनिमीज़ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, वो लोग उन तीनों को कुछ खतरा नहीं आना चाहिए। अब जैसे मिस्टर वी ये चीज़ बोलते हैं, वो थोड़े ये धीरे करके बोलते हैं,
खाली ये चीज़ ना जंगशा को ही सुनाई देता, क्योंकि फ़ोन उसके ही हाथ में था और किसी के हाथ में नहीं था। और यहाँ से मैंने शीन शिफ्ट होता है, जो कि लैन शुशैन को दिखाया जाता है। वो भागा भागा हॉस्पिटल के अंदर आता है। वो देख जैसे ही अंदर आता है, वो सबसे पहले चीज़ देखता है ना कि यहाँ पर वेंचिंग के गोदी में एक बच्चा था और सोंगलिन के फियांसे की गोदी में एक बच्चा था। वो इतना तो कन्फर्म हो गया था कि विंग का डिलीवरी हो गया है, बट उसको यहाँ पर तब भी टेंशन लग रहा था कि भाई अब होगा सो होगा क्या। यहाँ पर उसको ये नहीं पता था कि विंग उसके भाई का फियांसे है। और यहाँ से हमारा शीन शिफ्ट होता है, जो कि लैंगवांग जी के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पर लैंगवांग जी को दिखाया जाता है, जो अपने बेड में बैठे बैठे अपना मेडिसिन्स ले रहा होता है। और बेड में लेट के वो सोचता है, मेरे रट क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। यूजुअली ये तो 2 वीक्स चलता है, और उससे ज़्यादा हो सके तो 3 वीक्स चलता है, बट ये 2 मंथ्स हो गया और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्यों। फिर ना जी अपना दिमाग में थोड़ा बहुत वो ज़्यादा जोर डालता, फिर उसको पता चलता है वो लोग दोनों सैंड पॉन्डर्ट है। और यहाँ पर ही उसको भी ना, जब विंग को वहाँ पेन हो रहा होता है ना, जब वो डिलीवरी कर रहा होता है, यहाँ पर लैंगवांग जी को भी पेन हो रहा था, तो वो सोचता है रैट के कारण हो रहा था। फिर और ही कुछ ज़्यादा ही पेन बढ़ रहा था, तो उसको इतना तो कन्फर्म हो गया था कि विंग के साथ कुछ हुआ है। यहाँ पर वो जैसे लैन शुशैन को कॉल करता है ना, वो बोलते हैं जाओ जाके हमारे लैन हॉस्पिटल में जाके चेक करो कि यहाँ पर वेंचिंग है और विंग कुछ हुआ है क्या। अब जैसे ये चीज़ लैन शुशैन सुनता है ना, वो चीज़ वो तो पूरा शॉक हो जाता है, भाई इसको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हॉस्पिटल में नीचे आया है, वो भी वेंचिंग और वेंडिंग से मिलने। और फिर यहाँ पर वो विवशैन का सॉरी वो विंग का नाम सुनता है, वो यहाँ पर और शॉक हो जाता है। फिर बोलता है चलो चल के देख ही लेते एक बार इमरजेंसी रूम की तरफ से, और घूमते हुए आ ही जाएंगे, मेरे को तो चेक तो करना है, मेरा रूटीन तो है वही। अब जैसे ये चीज़ ना लैन शुशैन सोचता है ना, वो जैसे ही जाता है, वो देखता है यहाँ पर एक गोदी में दो दो क्यूट क्यूट सा बच्चे खेल रहा होता है, एक वेंचिंग का होता है और एक सोंगलिन के फियांसे का। अब यहाँ पर जाके वो ना वो लोग उनका ना पिक्चर क्लिक करता है पहले, फिर लैंगवांग जी को भेज देता। अब लैंगवांग जी ये जैसे देखता है उस वो तो नोटिस कर, मतलब उसको तो पता चल गया था कि विंग उसका चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट है। अब सॉरी आई मीन था, वो है नहीं। तो अब यहाँ पर ही ना लैन शुशैन उसको उसका बेबीज़ का पिक्चर क्लिक करके भेजता है। उसको लगता है ये नॉर्मल ही है विंग का फेस, और शायद बेबीज़ देखना चाहता होगा, उसको तो ऐसे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो पिक्चर क्लिक करके भेज देता है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है लैंगवांग जी के ऊपर, जैसे उसको पिक्चर्स मिलते हैं ना जो लैन शुशैन उसको सेंड किया होता है, वो देखता है भाई दोनों इतना क्यूट क्यूट था ना। अब यहाँ पर ही वो एकदम जूम कर करके विंग का सबसे पहले फेस देखता है जूम करके, और फिर उसका चाइल्ड्स का देखता है। वो फिर बोलता है वो यहाँ पर देख के ये चीज़ ना बहुत हैप्पी होता है कि विंग वो लोगों का चाइल्ड को बर्थ दिया। उसको लगा था विंग अबॉर्शन अबॉर्ट करा लेगा ये लोग उन सबको, बट नहीं वो रखा था। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो। और मेरे को पता है इसके दूसरे वाले वीडियो में विंग और लैंगवांग जी का मिलन करा देंगे, क्योंकि आप लोग उन सबको नहीं, आप लोग उन आधा से ज़्यादा पूछते रहते हैं वो लोग दोनों का मिलन कब होगा दी। और यहाँ पर लैंगवांग जी को पता था कि विंग प्रेग्नेंट है, मतलब उसको उतना कन्फर्म नहीं था, हाँ बट है। और उसको लगा था विंग अबॉर्ट करा देगा, बट वो रखा था। और मेरे को पता है मेरा आवाज़ यहाँ ये वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा गंदा साउंड कर रहा है, क्योंकि मेरा जो गला में जो कुछ भी हो गया था वो ठीक नहीं हुआ था, और हम सबसे ज़्यादा वेट कराएंगे ना तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, और हम आलसी करेंगे और अपलोड नहीं कर पाएंगे। और इसके दूसरे वीडियो में हम मिलन करा देंगे, रोमांस करा देंगे, सब करा देंगे। और अभी के लिए यही तक स्वीट।